जॉन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साक्षी, एक्चुअली मैं कल के लेक्चर की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। क्या हुआ? कौन सा लेक्चर? तुम मुझे बताओ। कल जो नेहा मैम ने लेक्चर करवाया था ना ब्लड ग्रुप के बारे में, मैं उसी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है और कौन सी एंटीबॉडी। बस 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 इतनी सी बात? कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। तुम पहले मुझे बताओ कि हमारे बेसिक ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। बेसिक ब्लड ग्रुप तो ब्लड ग्रुप ए बी ए बी और ओ, ये चार ब्लड ग्रुप होते हैं बेसिक। अरे बहुत अच्छे, तो तुम्हें पता है कि हर एक ब्लड ग्रुप में एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं। हाँ, एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है और कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए। अब ए ब्लड ग्रुप में क्या होगा? एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है? ठीक है, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। और बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। और फिर उसके बाद आ गया ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप में हमारे दोनों एंटीजन होंगे और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा। ओके, और ओ का मैं बताऊं, ओ में दोनों एंटीबॉडीज होते हैं बट एंटीजन कोई भी नहीं होता, इसीलिए हम उसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अरे तुम्हें तो आता है, फिर तुम क्यों टेंशन में थे? हाँ, वो मुझे आता तो था पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, जब मर्जी, चलो चल के क्लास लगाते हैं। दोस्तों, आपकी भी कंफ्यूजन दूर होगी। कमेंट में लिखना ना भूलिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है।